आप जब पहले भी मैं बोलते हैं, but when you say ever ever oh, so there is it's on going on, so it's a round sound that I like a lot. मेरे हिसाब से मैं बबल जी को ही obviously इस गाने का most of the श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने उनकी एनर्जी नहीं होती अगर तो ये गाना इस तरीके से नहीं बन पाता. तो अगर हमने ये 3-4 साल पहले ये लाइन लिखी होती कि जोगी में और गंगा है ये इश्क रे, तो ये कुछ एक अलग जोन में चला जाता शायद. लोग बोलते हैं रे बहुत ज़्यादा डीप हो गया. फॉर मी एज अ म्यूजिशियन आई थॉट कि जो मैंने पॉलिश वाला गाया था वो शायद थोड़ा इसमें वो हरकत ज्यादा ली थी मैंने. वो एज एन आर्टिस्ट यू कैन चूज व्हेदर यू वांट टू डू दिस और कैटर टू इट और टेक अ स्टैंड और यू वांट अ हिट सॉन्ग वाला बैरोमीटर में जा रहे हो और यू आर राइटिंग फ्रॉम द हार्ट लाइक यू सेड. सो द जेनेसिस हैज बीन द सेम, राइट? इट्स द एनवेलप इज चेंजिंग एंड द वे यू प्रेजेंट दैट एनवेलप इज चेंजिंग. आई स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स 2-3 बार गाया उसने एंड वांगा केप सेइंग दोबारा गा उसको इतना सुंदर लगा इन अ पार्टी. सो वी वर लाइक वेल ही हैज हैड अ लिटिल टू मच टू ड्रिंक अदरवाइज इतनी बार क्यों सुनेंगे. मैं उठा जो तेरा हुआ मैं तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है. Hi, this is Sheetal. You're watching Pink Villa. One album that has stayed with me, I think not just me, but the entire nation, has to be from the movie Animal. Unke ek ya do gaane nahi, but pura ka pura album has been a super hit. And to celebrate this, joining me today, we have the makers of that album. Hi, everyone. Hi. Hi. How's it going? Very good. Thank you. Super. Firstly, a big, big congratulations to you for this massive success. Kaisa lag raha hai? Kaisa lagega? आपके गाने के अलावा अगर आपका एक पर्सनल फेवरेट है फ्रॉम द एंटायर एल्बम कौन सा रहेगा? आई थिंक विल स्टार्ट विद यू मनन. पहले भी मैं विशाल भाई का सुपर सॉन्ग. ऑब्वियसली सारे गाने बहुत ज्यादा अच्छे हैं बट यू नो एक ओवर द टाइम ग्रो करता है ना आपके ऊपर. तो मैंने भाई को मैसेज भी किया था, मैंने यार ये गाना ग्रो कर रहा है ऊपर, मेरे को अच्छा लग रहा है ये बार बार यू नो जितनी बार मैं सुन रहा हूँ उतना ज्यादा मेरे को मजा आ रहा है इसको. आई एग्री विद दैट. फॉर मी Papa Meri Jaan is a beautiful song. I didn't expect that song to be come in the film how it came. I think last minute edition tha. Yeah. It's one of my personal favorites. I love it. For me it is Pehle Bhi Main. Yeah. Two votes like for Pehle Bhi Main, including me, 3 votes. Can I say 2 songs? Okay. Sataranga also, but wo pehle se main bahut sun raha hu. Iske baad jab aaya to Pehle Bhi Main and Arjun Reveli. Yeah. Arjun Reveli is too good. Yeah. मेरा भी ले लो वोट पहले भी मैं. मुझे 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 सच बताऊं तो बड़ा मुश्किल है आजकल. मैं ट्रिप कर रहा हूं हुआ मैं पे, बट अर्जुन वैली पे वर्कआउट कर रहा हूं, लग नहीं रहा होगा मुझे देख. और सतरंगा मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही यूनिक क्रिएशन है. ये 3 ऐसे गाने हैं जो मुझे लगता है कि बहुत वक्त तक चलते रहेंगे और पहले भी मैं गिव्स अ वेरी मिक्स्ड फीलिंग्स, क्योंकि एक तो लव एंथम तो है ही वो, बट थोड़ा हार्ट ब्रेक टाइप भी लग रहा है. सो हाउ वाज इट फॉर यू टू यू नो सिंग दिस एंड प्लस जो आपने तेलुगु में भी गाया है, वाज इट अ लिटिल चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज? No, I think I sang it in 17 minutes. Wow. Telugu is, whenever I'm doing anything Telugu, Tamil, I love it because of the roundness of the language. Mm-hmm. I think somewhere it works in the favor of the composition also. Because aap jab pehle bhi main bolte hain, but when you say ever ever oh, so there is, it's on going on. So it's a round sound that I like a lot. And it was, the whole process was a pleasure, you know. ये तो कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा होगा या क्या होगा एंड एक्स वाई जी, बट द प्लेजर आई थिंक जो रस है उस पूरे प्रोसेस का, इट इज़ ब्यूटिफुल. एंड मैं जब भी सोचता हूँ इस गाने के बारे में वो रस ही याद आता है. आई एम श्योर एवरीबडी हैज हैड दैट टेस्ट एंड इट्स अ सेलिब्रेशन दैट शुड बी सेलिब्रेट. आई एम सो ग्लैड दैट वी ऑल आर सिटिंग हियर टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शेयरिंग ऑल ऑफ दिस. इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड आई एम श्योर एवरीबडी फील्स एज ग्रेटफुल एज आई. या एब्सोल्युटली मनन, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अर्जुन वैली. आई थिंक इट्स लाइक अ वॉर क्राई, राइट? जब वो आता है मूवी में भी एंड इवन इन जनरल व्हेन यू लिसन टू इट, रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, गूज़बम्प्स आते हैं. तो हाउ वाज इट वर्किंग विद भूपिंदर जी एंड वो पूरा क्रिएटिव प्रोसेस कैसा था? मैंने बताया जैसे पहले भी हमने यू नो उन्होंने बहुत ट्रैवल करके वो आए थे मेरे स्टूडियो गुड़गांव में, हमने रिकॉर्ड किया था इसको एंड यू नो इट वाज लाइक 20 आवर सेटिंग. 20 घंटे हम लोग वो किया था. देन यू नो वी हैव रिकॉर्डेड अ लॉट ऑफ चक्को, यू नो अपने जो चक्को इसमें सुने, बहुत सारे चक्को में से वो 2 चक्को निकाले हमने.
एंड या अगले दिन मेरे से इतने लाउड चक्को हुए थे कि मेरे यू नो बाजू वाले फ्लोर में जा रही थी आवाज़ एंड एवरी वन वॉज लाइक अगले दिन के यार ठीक था सब कुछ, रात को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी. एंड वन थिंग अबाउट बबल जी इज मतलब वो इतने एनर्जेटिक हैं इस एज में भी आके, यू नो जब हमारी रिकॉर्डिंग खत्म होगी संदीप सर चले गए, यू नो मैं बबल जी को होटल छोड़ने गया तो उन्होंने साइलेंस पे डांस किया वहाँ पे. Wow. गा गा के उस गाने को साइलेंस पे डांस किया उसको. आई हैव अ वीडियो, आई विल शेयर इट, यू नो थोड़े दिनों में शेयर करूंगा मैं उसको. साइलेंस पे डांस किया उन्होंने. सो या उनकी एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त है एंड मेरे हिसाब से मैं बबल जी को ही ऑब्वियसली इस गाने का मोस्ट ऑफ द श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने उनकी एनर्जी नहीं होती अगर तो ये गाना इस तरीके से नहीं बन पाता. यू नो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांटेड टू नो आपके कौन से वाला गाना ऐसा हुआ है कि आपने वो पिक्चर देखा फर्स्ट, सीन्स देखे फिर आपने गाना बनाया, या फर्स्ट गाना बनाया था एंड देन आपने सीन्स देखे? सो गरिमा विल स्टार्ट विद यू. सो विद सतरंगा व्हाट हाउ वी इट वाज नेवर प्लान टू बी अ पार्ट ऑफ एनिमल, ऐसा नहीं था. लेकिन क्योंकि संदीप बहुत करीबी दोस्त थे हमारे तो वो हमारे साथ बहुत सीन शेयर करते थे, हम शुरू से कहानी सुनते आए हैं. तो कहीं ना कहीं जब उनको लगा कि ये गाना इस मेरे सिचुएशन पे जाता है देन हम भी उस सीन का जो हमने देखा हुआ था शूट पे भी हम गए थे उस सीन की, तो हमने कहा कि हाँ यार ये काफ़ी हद तक इस पे फिट बैठता है. एंड देन ऑफकोर्स वो जो बात है इसमें कि वो पैर टच करते हैं माथे से लगा लूँ हाथ चूके मैं पैर तेरे, वो बात शुरू में कहीं जब रणबीर कपूर का कैरेक्टर रश्मिका के पैर टच करता है वहाँ से आ रही थी. तो क्योंकि हमारे साथ भी इतनी ज़्यादा सीरियड इन थी वो कहानी दैट इट हैपेंड इन अ वे दैट वाज टोटली फ्लूइड. हुआ मैं I haven't composed it. It's composed by Preetam Dar. Yes, but yeah, but what was the quick question? Sorry, I can't. No, just wanted to know the process, whether you saw the scenes and then you sang for it or how was it? No, I didn't see anything. I was just given a brief by Preetam Dar. It's a very passionate song. Yeah. You have to sing it very passionately. Main bola, okay, I'll sing it. मैं गाया तो फर्स्ट टाइम बहुत खराब गाया, मैं तो उन्होंने बोला पैशन रहा ही नहीं उसमें कहाँ गया. मैंने दर्द करा था बस एक बार और गाने दो, सेकंड टाइम फिर शॉर्ट हो गया, उसके बाद नहीं गाया मैंने. एंड द सेकंड टाइम मैंने गाया था दैट इज व्हाट यू हियरिंग इन द मूवी. ओह वाओ अमेजिंग. या एंड व्हेन संदीप हर्ड यू सिंग द सेकंड टाइम व्हाट वाज हिज रिएक्शन लाइक? सो आई टेल यू व्हाट, अभी जब मूवी रिलीज होने वाली थी बिफोर द मूवी वाज रिलीजिंग आई वांटेड टू सिंग इट वंस मोर. ओके, तो मैंने एक बार और गाया वो सेलेक्ट नहीं हुआ बिकॉज इट वॉज सो पॉलिश. प्रॉब्ली संदीप सर ने कहा कि ये बहुत पॉलिश लगा बिकॉज वेन यू सिंगिंग सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स वेरी लाइक रॉ. अभी मैंने जब गाया हिंदी तो आई वॉज ऑलरेडी सिंगिंग तेलुगू तमिल सब गा चुका था, इट वॉज मेरा मसल मेमोरी में इतना आ चुका था गाना. इट वॉज सो पॉलिश कि सर ने वो भी बाउंस कर दिया. तो अभी जो आप सुनते हो हिंदी दैट इज द सेकंड डब दैट आई डिड. वाओ दैट इज अमेजिंग. फॉर यू विशाल, इट्स बीन मैजिकल. संदीप हमारे स्टूडियो आए, राजी राजशेखर जिन्होंने गाना लिखा है, मेरे भाई हैं वो, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ और बहुत दिन से वो कह रहे थे कि रणबीर पे यार ये गाना आता मेरा तो कैसा लगता. तो फाइनली दिस हैपेंड एंड आई कॉल्ड राजी एंड संदीप और राजी मिले एंड हम तीन लोग स्टूडियो में बैठे एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग. सो मी एंड संदीप हैव ऑलवेज मेड सॉन्ग्स लाइक दैट, चाहे वो कबीर के गाने हों चाहे वो इसके गाने, वी टॉक अ लॉट. And while talking, I started playing the keys, and he said, this is the song. And we made the song then and there, and we produced the song then and there, and whatever we are hearing outside, we have not changed even a cent of it. Wow. Jaisa banaya tha, waise ka waise hi release kar diya, and I'm so glad that people have loved it so much. They will continue to love it as well. Sid and Garima, I wanted to ask you one thing. As lyricists, do you feel that there's a shift or a slight change in the way audience is perceiving the lyrics that is coming out now? What is your take on that? Yeah, I mean, there is a shift, of course, and that is for the better, is what we feel. Okay. Because I think, agar humne ye 3-4 saal pehle ye line likhi hoti ki jogi mein aur ganga hai ye ishq re, to ye kuch ek alag zone mein chala jata shayad. Log bolte hain, bahut zyada deep ho gaya. But ab shayad logo mein, I think it's because of the change in the listener. It's surprising how many people share videos even now or reels wherein they highlight the lyric and they talk about the it. The moment they reach Banaras, yehi gana baj jata hai wahan pe, Banaras ke ghat. You know, we often ask actors ki aapne acting kar liya, fir wo edit table pe jata hai and then you see yourself on the big screen. How does it feel, right? But I want to ask you guys as well. Aapne lyrics likh liya, composing kar liya, studio mein recording kar liya and sab kuch ho gaya. But as an audience, when you go watch the movie, जो आपने लिखा है जो आपने गाया है वो आप देखते हो ऑन द बिग स्क्रीन व्हाइल द एक्टर्स आर परफॉर्मिंग, सो वो वाली फीलिंग कैसी होती है?
सबसे पहले तो कलाकार क्रिटिकल होता है, ये भी कर लेना चाहिए यार, मतलब ये कम लग रहा है, ये थोड़ा ये सही लिख लेता मैं, ये सही गा लेता यार, ये मिक्सिंग सही नहीं, सेल्फ क्रिटिकल। मुझे कलाकार मुझे कई बार ऐसा लगता है, मैं जब दिखता हूँ मुझे तो कई बार मैं नहीं बनाया, ऐसा भी एक थॉट आता दिमाग में, हां कुछ मैं अच्छा ये मैंने ही बनाया था। सो आई वाज वाचिंग माय फिल्म सत्यप्रेम की कथा के प्रीमियर पे था, तो उसका टीजर आया था एनिमल का, तो आई वाज लाइक यार अच्छा इतना अच्छा बन गया टाइप्स, मेरे को ये लग रहा था ऑनेस्टली। मैं फिर उसके बाद जैसे विशाल भाई ने बोला कि ना चेंजेस करने का आप सोचते हो, तो मैंने काफ़ी सारे चेंजेस करे, वही अगेन राघव की बात के संदीप सर ने सब कुछ वो करा, नहीं पहले वाला सबसे अच्छा है उसी को रखेंगे। सो इट वाज लाइक दैट। एंड फॉर यू व्हेन यू सॉ हुआ मी ऑन द बिग स्क्रीन, इट वाज वेरी नाइस, वाज वेरी नाइस, अच्छा ही लगता है यार। बट डू यू गेट सेल्फ क्रिटिकल एज वेल? आई डू सम टाइम्स, बट सो बेसिकली फॉर मी एज अ म्यूजिशियन आई थॉट कि जो मैंने पॉलिश वाला गाया था वो शायद थोड़ा इसमें वो हरकत ज़्यादा ली थी मैंने, वो बट वो एक्चुअली उस जो स्क्रीन प्ले और जो वो मूवी था वो कैरेक्टर ऐसा था कि उस पर बहुत पॉलिश वोकल नहीं चलता, वो थोड़ा जो मैंने रॉ गाया था भाई यार, तो बट एज म्यूजिशियन तो मेरे लगता है ना कि यार थोड़ा इसमें मैंने उस वाले में एक हरकत एक्स्ट्रा ले सकता था, मैं भी रिलीज हो गया। बहुत अच्छी है, लगते रहना चाहिए। With the advancement in technology and all these streaming platforms that are coming up, do you feel that the way music is composed, produced and marketed in aajkal ka zamana, is it a little different? And is it a good different or a bad different? So I'll tell you, the genesis hasn't changed. Okay. Ek melody hai, us pe geetkar likhega, sangeetkar geet banayega, there will be an arrangement. So the genesis has been the same. Right. It's the envelope is changing and the way you present that envelope is changing. I don't think so we should let it affect the genesis at all. Agar aap is kala ke jo iski gangotri hai, aap jo gomukh hai is kala ka, aap agar usko badlenge to ganga ke shape mein bhi badlav aa jayega. So I think you should be honest to your craft and everything else. Ek kalakar ka kaam ek kamre mein baith ke geet banana, gaane likhna hai, aur ye sochna hi nahi chahiye ki ye kaise market ho raha hai, kyun market ho raha hai, because there are other people for it. If you're true and honest to the source of it, I think it's whatever the times are, no matter how advanced we get, your songs are going to penetrate to people who are like you. Yeah, that is so true. Absolutely. Beautifully said, yeah. Also, the game has changed. Like, yeah. You know, we actually dekha jaye to humne jab Lalishk was the ab jo viral hota hai, ab Insta pe viral. Haan, but humko us time pe pata nahi tha viral kya hota hai. Wo to this has changed over the last 10 years that we have seen. So it's for the better only, I would say. Beautiful. You know, when you say all of this, ek hota hai artistic freedom, right? But there's also this demand from the makers, and you know, because commercial wo bhi aspect bhi dekhna padta hai, right? So how do you maintain a balance between both? Anybody can take this question. Yeah. Please go for it. Yeah, so there is actually no commercial balance that you need to strike. Okay. If you're writing from the heart, I'm talking about the lyrics, of course. Yeah. So if you're writing from the heart, इट विल फाइंड इट्स कॉड समवेयर कि ऑडियंस के साथ वो पता चल जाएगा कि ये ऑनेस्टी से लिखा और ये नहीं लिखा है. सो आई डोंट थिंक आप कमर्शियली उसको किसी भी मीटर में डाल सकते हो कि अरे यहाँ पे पानी डाल दो बार, रिपीट कर दो वर्ड. हैविंग सेड दैट, देयर आर डिमांड्स ऑन द मेकर्स समटाइम्स कि इस तरह का लिरिक दे दो या ये कर दो, देन इट्स एज एन आर्टिस्ट यू कैन चूज वेदर यू वांट टू डू दिस ओके टू इट और टेक अ स्टैंड, और यू वांट अ हिट सॉन्ग वाला बैरोमीटर में जा रहे हो, और यू आर राइटिंग फ्रॉम द हार्ट लाइक यू सेड. So that's a choice we yeah like have. You know, for like a film like Batti Gulmeter Chalo, we had written one Har Har Gange, yeah, which is again viral on Insta now. Yeah. So but at that time we had to put up a fight for it. Yeah. You know, you have to convince the director, you have to convince the actor, you have to convince the music label ki bhai ye dalo, Ganga Aarti bani nahi hai Hindi cinema mein, chalega kabhi to chalega, kabhi to chalega. So yeah, jab script hoti hai to script khud bayan karti hai ki kya karna hai. You know, there is a boundary that you can access. उस दायरे के बाहर आप उड़ नहीं सकते. आप इंडिपेंडेंट गाने बनाते हो तो पूरा आसमान आपका है. बट मुझे लगता है इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगेन हाउ ऑनेस्ट आर यू. यू नो, अब आप एनिमल में कुछ ऐसा नहीं डाल सकते जो उस कैरेक्टर से रेजोनेट नहीं करता. आप कबीर सिंह में कुछ भी ऐसा नहीं डाल सकते जो एक मेडिकल स्टूडेंट से रेजोनेट नहीं करता. एंड दैट इज़ वाई इट रेजोनेट्स विद अदर पीपल, बिकॉज दैट कैरेक्टर हैज़ a recollection of every individual out there in this world. So I think it's all about being honest to what you've been given. We are people who work for a project, and if there is a demand of making a certain kind of song, we should cater to it, definitely. Yeah, definitely. You know, I think probably the world thinks that Vishal is obsessed with the word hua,
यू नो व्हाई व्हाई कैसे हुआ एंड हुआ मैं अभी तो इसने हुआ मैं गाया है नाउ द वर्ड हैज बीन पास्ड टू यू नो आई आस्क्ड दिस टू राज एज वेल एंड ही वाज लाइक या आई थिंक संदीप सर लाइक दैट वर्ड हुआ मैं and that's how everything started manoj also said the same thing yeah, yeah so yeah. that is amazing I want to ask you manan arjun valley jo apne music banaya jo brief diya tha sandeep sir ne wo kaise type ka brief tha unka na sirf unhone bataya tha ki aise karke bhai hai ek bhai ga raha hai and bahut sare bhai ga rahe hain in fact and kya kehte hain ek banda lad raha hai ek bhai lad raha hai wo bahut sare logon se lad raha hai you know bhai was like ke isme punjabi gana hai isme theth punjab rakhte hain ya nahi rakhte hain wo sara scene tha but you know संदीप सर वॉज लाइक क्लियर मैंने उसमें एक कुछ हॉर्न सायरन्स और ये सब चीज़ें डाली थी उन्होंने बताया था मेरे को होटल का कॉरिडोर का एक फाइटिंग सीक्वेंस है चार पांच बारी मैंने बनाया एंड स्क्रैच डिलीट करा देन उसके बाद मैंने एक जो आप फाइनल सुन रहे हो 40 मिनट का गाना बनाया हुआ है 40 मिनट में बनाया था एंड सुबह सुबह मैंने संदीप सर को शेयर किया उनका मेरे पास आया कि यार मैंने 10-20 बार सुना है गाना एंड Bang on. ये done. It is bang on. It is definitely bang. And in fact, एक कश्मीर गाना है मेरा इस फिल्म में. Yes. And that was like उसका proper music था. उस गाने में संगीत था मैं सबको बता दूँ आपके इस बहुत सारे संगीत बनाए मैंने उस गाने के लिए बट एक बार मैं संदीप सर से मिल रहा था संदीप सर ने ना अपने पीछे एक खिड़की खोली और कहते कि नहीं मेरे को सिर्फ ये आवाज़ चाहिए और इसमें सिर्फ मेलोडी चाहिए इसकी लिरिक्स इसके ऑब्वियसली तो इट्स वन ऑफ इट्स काइंड सॉन्ग मतलब कोई म्यूजिक नहीं है कुछ साज नहीं है उसके अंदर जो आप एल्बम में सुन रहे हो वो एक अलग वो है वर्जन है जो फिल्म में आप सुन रहे हो वो एक अलग वर्जन है एंड वो फ्री है बहुत ज्यादा जो फिल्म वाला वर्जन है एंड यस तो ये एक्सपेरिमेंट में संदीप सर के साथ ही कर सकते हैं यू नो आई थिंक द एंटायर एल्बम इज अमेजिंग बट देयर आर टू अंडररेटेड सॉन्ग्स आई थिंक दैट्स कश्मीर एंड हैवान एज वेल मतलब लोग सुनते हैं बट इतना बात नहीं करते बट आई थिंक इट्स अ अमेजिंग ट्रैक राइट आई वांट टू आस्क यू कोई ऐसे स्टोरी फन बीटीएस स्टोरी जो आप शेयर कर सकते हो व्हाइल यू वर जैमिंग मेकिंग द म्यूजिक any story that you can remember fun. with respect to each song right yeah my god your own jamming sessions my only fun story is that I had to wake up at 9 in the morning to meet Sandeep for this song which is impossible for me but we did we had idlis okay and we made the song and that it came out That's simplest. That's the most simplest thing I've ever heard yeah, yeah? we yeah. had we but made we had idlis and we made getting up at 9 in the morning Yeah. Was like the biggest I think everyone has this complaint even in the other interview they're like Vishal ko he has never seen sunrise I think we all mera bhi same hi hai humne humne shayad sunrise humne agar jaage hue to dekh liya awake till sunrise wo to acha hota hai ab wo kya na jab mujhe pata lagta hai ki 8:30-9 baje koi aane wala to mujhe neend aane lagti hai and I even Sandeep called me said let's meet at 9 I said are you sure Did you ask him AM or PM? No, he knows PM, okay. but he had to go somewhere because right. obviously we have shared so much in Kabir Singh. जब 9 बजे उठा तो मैंने कहा अब तो ऐसा गाना बनना चाहिए जो चले। We were super fun, yeah. super super fun. Amazing. Anybody else? Any story? Any fun story? Our fun story with Satranga is that one story which we tell everyone that ये गाना बिल्कुल हमारे पास था मतलब हमने इसका मुखड़ा बनाया हुआ था with Shreyas our composer. और हम लोग दिवाली पार्टी में थे सिद्धार्थ के घर पे और संदीप वांगा बहुत अच्छे दोस्त थे तो वो आए हुए थे सो श्रेयस स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स दो तीन बार गाया उसने एंड वांगा केप्ट सेइंग दोबारा गा उसको इतना सुंदर लगा इन अ पार्टी सो वी वर लाइक वेल ही हैड अ लिटिल टू मच टू ड्रिंक अदरवाइज इतनी बार क्यों सुनेंगे बट ही वॉज टोटली थिंकिंग अबाउट हिज सिचुएशन यू नो डायरेक्टर इज ऑलवेज एट वर्क दिस टेल्स यू सो इनफैक्ट व्हेन ही कॉल्ड आरके द नेक्स्ट डे वाज लाइक ब्रो तू पार्टी करने गया था तू गाना लेके आ गया दैट वॉज द वाइब यू नो एंड वी स्टिल लाफ अबाउट इट कि यार कैसे एक सडन मस्ती में हमने गाना फिल्म के लिए कर दिया इनफैक्ट श्रेयस शेड वन इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हाइल द पार्टी वाज ऑन इटसेल्फ कैसे वो लिरिक्स का मतलब उनको समझा रहे बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर राइट एंड ही इज लाइक वो पीपल के ट्री को वो धागा बांधना है ऑल दैट इन इंग्लिश इज लाइक ट्राइंग टू एक्सप्लेन सो फनी बट आई टेल यू तो मतलब आप जैसे वो था अर्जुन वैली तो यू नो दैट्स द ओनली सॉन्ग आई गेस जो सारी फिल्म लैंग्वेजेस में सेम है सेम हां उसके लिए तो पूरा एक ना एक रूट बना हुआ था एक चेन थी कि एक बंदा इसको समझाएगा वो उसको समझाएगा वो फिर संदीप सर को तो हम चार पांच बंदे चाइनीज विस्पर हो रहा था हां वो एक अलग सा कुछ क्योंकि इसमें ना ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो ऑब्वियसली एक नॉर्मल पंजाबी वाले को भी नहीं समझ में आते ठेठ ठेठ तो बिल्कुल ही ठेठ है एंड संदीप सर डिडंट वांट टू चेंज एनीथिंग मैंने सिर्फ इसमें एक वर्ड में पुलिस सरकारी रखते हैं सर दिस वर्ड इज या पुलिस सरकारी रखते हैं ये वाला अच्छा कनेक्ट करेंगे लोग सो वी वर लाइक यू नो फोर पीपल सेटिंग इन माय स्टूडियो एंड वी वर डिस्कसिंग द लिरिक्स throughout the night
एंड देन फिर उसके बाद हमने इसको फाइनल किया था ये. एंड एक भी कॉफी नहीं पी मैंने, 15-20 कॉफीज मंगा भाई उन्होंने 15-20 कॉफीज का ना वो गोल्ड कॉफी ये वो सब कुछ नहीं पिया संदीप सर ने. तो कितना टाइम लिया ये अर्जुन वैली गाना बनाने के लिए, फ्रॉम यू नो द लिरिक्स टू द म्यूजिक टू एवरीथिंग? 24 घंटे आई गेस. वाओ, 24 घंटे में हो गया था बस वही. अब बाकी तो फिर वो 40 मिनट की प्रोडक्शन मैंने बताया आपको, वो एक अलग सीन था. बट 24 घंटे में वी वर डन विद द होल लिरिक्स एंड यू नो कंपोजिशन रिकॉर्डिंग एंड ऑल. Amazing. You know, on that fun fact, we'll do a small jam session right now. आपके ही गाने से अगर आपको कोई एक favorite line अगर मैं पूछूंगी तो आपको वो गा के बताना है. आप भी try कर सकते हैं. हम सिर्फ बोल के बता देंगे. आप बोल के बता देंगे. हमने गा के बताई तो सबसे favorite line कौन सी है? सबसे पहले राघव है. I think Raghav has not spoken, so I think we'll ask this after. What was the question again? Sorry, I just have to sing your favorite line of Hua. Your favorite line. No, the hook, the you have to sing. Yeah, okay. Hua main, hua main, dua se main utha jo tera. Hua main. Beautiful. Beautiful. Wow. Vishal? मेरे लिए जो पहले भी मैं का दूसरा वर्जन है मधम, मुझे लगता है राज जी इज नेलिंग इट. राजशेखर मेरे प्रिय मित्र जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने एक वर्जन लिखा एंड ही वांटेड दिस टू बी एज इट इज एंड देन वी केप्ट इट एज इट इज. मुझे बहुत खूबसूरत लगता है. तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है, मैं चाहूं कि इसमें ही खोई रहूं मैं, सुबह को बाहों में अपनी छुपा के तेरे साथ शामों में सोई रहूं, सारा दिन बस तुझे देखते देखते पहले भी मैं. Wow, yeah. रुला दिया अभी. So beautiful. I think we should all give a shout out to Raj. Yeah. Yeah. Woohoo. Yes, absolutely. For you? Yeah, so basically there is a version of Satranga which is not in the film. Okay. And matlab Sandeep loves it. So we'll share that with you. It's this, it goes like टूटा जो तुझसे तो फिर ना कहीं ठहरा, कश्ती किनारे थी और दरिया बड़ा गहरा. बहुत बढ़िया. मैं दूर बहता रहा, तेरे पास रह सा गया मैं जरा सा, तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे. वाह, दैट्स हाउ तू मेरी सारी यादें पे. अभी श्रेयस की खूबसूरत आवाज में आपको इमेजिन करना होगा क्योंकि हम दोनों तो आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम दैट. सो अरिजीत जी की आवाज में आप ब्यूटीफुल. या वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. थैंक यू. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस एज़ वेल. मैं क्या गाऊं बताओ? अर्जुन वैली यू नो मेरे को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में बबल पाजी के अलावा किसी को नहीं गाना चाहिए गाना. मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि वो कुछ अलग ही गाते हैं. मैं कश्मीर की अपनी जो मेरी सबसे फेवरेट लाइन से मैं सुना देता हूँ. बेसिकली इट्स लाइक के जो लड़का बहाना दे रहा है उसको के ले तो चलो मैं तुझको वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर सर्दी बड़ी है, कब मैं लगाऊंगा तुझको गले, खुदा की कसम मुझे जल्दी बड़ी है, ओढ़ूंगी ऐसे मैं तुझको पिया, सर्दी मुझको सताएगी कैसे, तुझको लगाऊंगी ऐसे गले को भी गुम हो जाता हूँ जैसे. These are like, you know, क्या बात है, क्या बात है. You know, on popular demand, we'll ask Vishal to sing even the Telugu version because हमारी ऑडियंस तो पूछेगी क्यों क्यों नहीं गाया. तेलुगु वर्जन मुझे जितना आता उतना. हाँ हाँ, डेफिनेटली. एवर एवर ओ నాకి దురైన నూకలిసాకే మొదలైందే మెలకువలో కలలాతోచే మరుజన్మేదో మొదలైందే
ఏమో ఏం చేస్తున్నాను ఇంకా ఏమేం చేస్తాను మరి ఎవరెవరో నాకెదురైనా నువ్వు కలిసాకే మొదలైందే. I can tell you he's spot on with the lyrics because I understand their goofy lyrics. Right, and I speak also. It's written by Anant and Anant Sriram. Anant Sriram is a fabulous writer. He came to my studio and I was so happy that he didn't ask me to re-sing it. So it was in one go? I sang this whole song in in two halves. So first I sang the Mukhura, then I sang the Andhra. It took me some 17, 16 minutes. Yeah, amazing. And with Telugu, I've had this love affair. Yeah. I love the language. Because I was telling, I think in this interview or the other interview, because of the roundness of the language, it's beautiful. And every time I get to sing or make something in Telugu, it's a bliss. Wow, amazing. You know, just out of curiosity, I wanted to ask both of you as your singers, ki jab ek love song gana hota hai, you close your eyes, of course, right? What are you imagining? And if you have to sing like one intense ki kisi ko maar dhaad wali song gana hai, to wo aap kya sochte ho andar jab aap itna intensely gana ga rahe? Dekhi, iska naam hi playback singing, isliye because you're playing back for somebody. Yeah. You know, koi kirdar aap ki awaaz ko nibhayega, to aapko us kirdar ki tarah gana padta hai agar aap filmi gaane ga rahe hain. Ye sutra hai playback singing ka. और मुझे ऐसा भी लगता है कि कलाकारों की दो रियलिटीज़ होती हैं, एक प्रैक्टिकल रियलिटी जहाँ पर हम यहाँ बैठे हुए हैं और एक इमेजिनेटिव रियलिटी होती है जहाँ पर आप कुछ भी बन सकते हैं. तो किसी कलाकार से कोई कहता है यार आपकी आवाज़ में दर्द बहुत है, आपका दिल टूटा है, कभी ज़रूरी नहीं है कि उसका दिल टूटा, या वो कोई पार्टी गाने बनाता है तो घर में नाश्ता तो नहीं है. देयर इज़ अ इमेजिनेटिव रियलिटी वेयर यू डू थिंग्स टू योरसेल्फ, वेयर देयर इज़ अ वर्ल्ड, वेयर देयर इज़ अ पोर्ट्रेट, एंड इट अफेक्ट्स यू इन प्रैक्टिकल रियलिटी एंड यू मेक सॉन्ग्स. स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, बट प्लेबैक सिंगिंग का जॉब ही यही है. You have to be the character that is on the screen, and I think that is how it becomes easy for me at least. While you're singing the song, you just have to be somewhere else. Jaise if you're acting, no, wo bhi to acting kar rahe ho. Correct. They make a backstory. Yeah. थोड़े देर के लिए you just have to कुछ ऐसा है तो कुछ you have to think about something and just change your mood, change your tone. अब ऐसा ऐसा मार धाड़ है तो tone कुछ different आएगा और तो you just have to think in your head. मुझे लगता है हर इंसान का एक बहुत ही स्पिरिचुअल चीज है, ऊपर वाले से जुड़ने का एक तरीका होता है. और जब आप संगीत के प्रोसेस में होते हैं, आंखें बंद करके अपने आप को एक एनर्जी में ढाल कर, यू रेजोनेट एन एनर्जी दैट अफेक्ट्स मिलियंस एंड मिलियंस आउट देयर. सो आई थिंक दैट इज द प्रोसेस. यू नो, एज लिरिसिस्ट, आई एम श्योर कि the wordplay that you use, the scenes that you know, the brief that you get, the narration and everything, it's just, it's different, it's amazing, right? So aapka creative process kaisa hota hai? The process is like so like he said, it's you're connecting. Jab ek point pe aapko ek brief diya jata hai ki mujhe is situation ke liye gana chahiye, so you have to say everything that a dialogue or the screenplay doesn't say. Lyricist ko film ko alag hi tarike se interpret karna hai, wahi character ki duniya mein rehna hai, usi ki realm mein rehke कुछ बात कहनी है. ऐसी बात जो कही नहीं गई और यूनिवर्सल कनेक्ट भी जिसका. सो प्रोसेस ये होता है हमारा कि हम पहले थॉट क्रैक करते हैं, फिर हम उसके ऊपर शब्द लगाते हैं. सो इट्स अ ले बाय ले थिंग दैट वी डू, एंड देन ऑफ कोर्स राइमिंग और उस तरह की चीजें. या मतलब व्हेन यू आर क्रिएटिंग यू डोंट लाइक ब्रेक इट अप इन सो मेनी वेज, तो बट एक्चुअली जनरली प्रोसेस यही होता है कि फ्रॉम स्पेसिफिक टू जेनेरिक, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग स्पेसिफिक फॉर अ कैरेक्टर व्हिच गोज जेनेरिक टू द कंट्री. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी इन दैट zone. Yeah, wow, amazing. Thank you so much for such a lovely conversation. I have to say that this has to be my most favorite album, because it's not one song that I like, but I love the entire music, entire soundtrack. You can't say that. You have to tell us which is your favorite. No, you can ask me this question. You ask us the question. Off record, bol do. No, I really can't choose. Camera band kar ke bol do. Wo chalega. But thank you for making such amazing music, and we're hoping to hear more. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure.